वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, फॉर्मूले के डेरिवेशन को समझा था, और क्वार्टर ईयरली, हाफ ईयरली, इसमें फॉर्मूले का नया एक डेरिवेशन होता है, उसमें हमने एम का रोल समझा था। तो सबको समझने के बाद अपने कंपाउंड इंटरेस्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यही समझ, यही कॉन्सेप्ट आपका जो कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करते हैं, इसको भी हमने समझा था। तो कैलकुलेटर के सारे यूजेस अभी एकदम से नहीं बताऊंगा, नहीं तो भूल जाओगे। एक एक करके हम उसको आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे इसके यूजेस को हम समझते चलेंगे। तो अब आपके कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुके हैं, आप कुछ नए क्वेश्चंस को कंपाउंड में हम एज अ आप इसको चैलेंज लेंगे। एक क्वेश्चन देखें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 1200 रुपीज टू अमाउंट टू रेट 2000 रुपीज। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बच्चे आपके पास में कि प्रिंसिपल है एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट आपने इन्वेस्ट करा, एक प्रिंसिपल है एज अ एज अ आपने प्रिंसिपल यहां पर इन्वेस्ट किया 1200 रुपीस। कुछ आज बच्चों को रिजल्ट आया, सेमेस्टर सिक्स का रिजल्ट आया, लेकिन वो बच्चे इनका बैक था, कभी उनकी बैक थी, तो फिर उन्होंने वो पहले मेरे पे नहीं पढ़े थे, बट उन्होंने अब बिजनेस मैथ्स का कोर्स लिया था, अभी लास्ट सिक्स सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम था और उनका पीछे सेमेस्टर में बैक था, उसका लिया था कोर्स। मैक्सिमम स्टूडेंट का रिस्पांस आया है कि भाई पास सभी बच्चे हो गए और मैथ्स के अंदर उनके सबसे अच्छे स्कोर रहे हैं। मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट क्लासेस में, बट आपको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही फॉलो करेंगे, तो मैथ्स की चिंता आप छोड़ दीजिए। प्रिंसिपल आपका 1200 रुपीस एंड अमाउंट आपका, जिसको हम सम ऑफ अमाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ये हमारे पास में बच्चे क्या है 2000 रुपीज़ है। एंड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, आर बच्चे क्या है 5% है। कन्वर्टेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मीन्स बच्चे क्या होता है थ्री मंथ, क्या है थ्री मंथ है, क्लियर है। तो आपको क्या बताना है, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब कि आपके पास में टाइम बताना है बेसिकली, ठीक है, वो भी ईयर में। आइए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या दिया है मैंने एस का, एस इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आई अपॉन एम रेस्ट टू पावर एम इंटू टी। ये फॉर्मूला आपको दिया था बच्चे, याद होगा आपको। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब आप एनुअली इंटरेस्ट चार्जेबल नहीं है, जब आप 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने में ऐसे आती हो अगर बीच में, तो आपका यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। तो चलो बच्चे अब इस फॉर्मूले को कंटिन्यू करते हैं। एस अमाउंट आपके पास में है, पहले आपको यहां पे एम को कैलकुलेट कर लो। एम क्या आएगा आपका, एम क्या होता है बच्चे 12 मंथ ऑलवेज ऊपर होगा, डिवाइडेड बाय कितने मंथ में आ रहा है, 3 मंथ में आ रहा है, तो m इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर 4 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। s हमारे पास में 2000 रुपीज़ है, इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारा 1200 रुपीज़ है, 1 प्लस i मीन्स क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसको आप डेसिमल में अगर आप एक्सप्रेस कर देंगे परसेंटेज के नीचे 0.05, ये क्या होता है i होता है, क्लियर है बच्चे। तो टूथ आपके पास में आई क्या है 0.05 अपॉन एम क्या निकाला आपने 4, इक्वल्स टू एम 4 और इनटू टी। सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा बच्चे, ये तो आप सॉल्व कर लीजिए, 20/12 इक्वल्स टू, कैलकुलेटर जब आपके पास में है तो क्यों इतना सोचेंगे, 0.05/4, 1 + 0.0125 एंड रेज़ टू पावर 4t। सॉल्व करेंगे 5/3 इक्वल्स टू 1.0125 रेज़ टू पावर 4t, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं बच्चे, 5/3 1.66 इक्वल्स टू 1.0125 रेज टू पावर 4t, क्लियर है बच्चे, ये समझ में आया आपको यहाँ तक।
अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड वैल्यू किससे करनी है, आपको फाइंड टी की वैल्यू करनी है कि टी क्या है आपका। तो अब आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पर अब आपको लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। लॉग टेबल बेसिकली आपको वो देखना भी आता नहीं है और एकदम से सडनली एक क्वेश्चन आ गया है, पहले पूरी एक क्लास में लॉग टेबल पे लगाऊंगा जब आपको, क्योंकि उसके मैं एक हार्ड कॉपी भी ला करके आपको बताऊंगा, बोर्ड पे भी लॉग टेबल लगाऊंगा। तो लॉग टेबल देखते कैसे हैं वो आपको पता होना चाहिए, बट फिलहाल मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें बच्चे, दो तरीका, एक तो आपके पास में क्या है, सॉल्व करते हैं इसको, पॉइंट रिमूव करते हैं, तो 166 अपॉन 100 इक्वल्स टू 10125 अपॉन 10,000, ठीक है बच्चे, इक्वल्स टू 40। देखो 166 का 166 क्लियर है बच्चे। तो यहां पर आप इसको ऐसे मत करो, सिंपल है, आप लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग लोगे तो लॉग 1.66 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लॉग लोगे तो लॉग क्या करता है, पावर को नीचे ले आता है। ये आपको लॉग का एक बार सिखाऊंगा मैं, आज एकदम से क्वेश्चन आ गया, अब नेक्स्ट क्लास में पहले मैं लॉग ही सिखा दूंगा आपको, ठीक है बच्चे। लॉग 1.0125 ये आपको लॉग की वैल्यू। अब आप यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई में, अब लॉग 1.66 मेरे पास लॉग टेबल नहीं है बच्चे, क्लियर है, नहीं तो मैं आपको ये लेना आपको सिखा देता कि 16 पर आपको 6 देखना है और आपके पास में 10 पे 12 देखना है और उसके बाद फिर आपके पास ये वैल्यू रिप्लेस होती है लॉग की, ये रिप्लेस होते हैं, क्लियर है, ये डिवाइड कर देता एंड टी 4 यहाँ पे डिवाइड कर देता, तो आपके पास में क्या जाता, टी आपके पास में जाता ईयरली, ईयर आ जाता आपके पास में, क्लियर है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन जब मैं लॉग टेबल सिखाऊंगा तो इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करूंगा, ये पेंडिंग है, अभी कोई फ़ायदा नहीं इसको करवाने का क्योंकि आपको लॉग टेबल नहीं आता है, ठीक है, पेंडिंग लिख रहा हूँ। लॉग टेबल अगली क्लास में सबसे पहले लॉग टेबल करवा दूंगा ताकि आगे ऐसी प्रॉब्लम ना आए आपको। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, इसको ट्राई करो आप, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट अ 4% प्रिंसिपल, आपके पास में आपको पता नहीं है, लाइक उसको पी कर लीजिए लेट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में बच्चे 4% है एंड एनुअली चार्जेबल है द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे है वो भी किसका, सेकेंड ईयर क्या है हमारे पास में 25 रुपीज, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है थर्ड ईयर का, ये क्वेश्चन है बच्चे पूरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, टू ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है जरा समझ लो, पहले मैं समझा देता हूं तो मैं करवाऊंगा इसको। एक एग्जाम्पल के लिए प्रिंसिपल आपका है 1,000 रुपीज, ठीक है बच्चे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं ले रहा हूँ 10%, और मैं टाइम आपका यहाँ पे ले रहा हूँ 3 ईयर। तो आइए जरा देखें कंपाउंड इंटरेस्ट का केस में, फर्स्ट ईयर की मैं बात करता हूँ तो 10% चार्ज करूँगा तो 100 रुपीज़ इंटरेस्ट है, ये 1 ईयर या फर्स्ट ईयर इसको बोल दो, एंड सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मैं अगर आपको कहता हूँ तो 10% चार्ज करोगे तो प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लोगे लोगे आप, टोटल कितना आपका अमाउंट ड्यू हो गया 1,000 और प्लस 100, तो 1,100 आपका ऐसा अमाउंट हो गया, बस इंटरेस्ट कितना आएगा आपका इस पे, आपका 100 रुपीज़ आएगा एंड पिछले ये भी तो आपका ड्यू है 10, तो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट 110 है और टू ईयर इंटरेस्ट कितना होगा 100 प्लस 110, 210 टू ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट है एंड सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 110 है, डिफरेंस समझ पाया, सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टू ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा पहले वो देख लेते हैं, 10% तो प्रिंसिपल पे लेगा लेगा वो, ठीक है बच्चे, उसके बाद फिर फर्स्ट वाले पे लेगा, फिर उसके बाद ये भी ड्यू है, ये वाला भी ड्यू है,
थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो थ्री ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, इनको ऐड कर देंगे 331, थ्री ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, टू ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? तो इस समझ में आया आपको क्या है ये पूरा स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत नहीं है आपको, बट आपको बस इतना टर्म को समझिए, सेकेंड ईयर एंड टू ईयर में डिफरेंस होता है। क्लियर है? अब आप एक बात और समझो कि फर्स्ट ईयर में एज अ अमाउंट क्या बन जाएगा, एज अ अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर के बाद 1100। क्लियर है? एंड सेकेंड ईयर का आपका अमाउंट क्या बनेगा, 1100 तो पहले का ड्यू था एंड इंटरेस्ट ये और हो गया, तो 1210। कैसे पता लगा आपको? 1100 तो पिछला का बाकी था और 110 रुपये और ब्याज चढ़ गया, तो 1210 बाकी है। अगर आप अमाउंट, आप टू ईयर का आपको अमाउंट में से फर्स्ट ईयर का आप अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर आप, तो आपके पास में बेसिकली बचेगा क्या, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट बचेगा या नहीं बचेगा, बताओ? क्लियर है? टू ईयर के अमाउंट में से अगर आप फर्स्ट ईयर का अमाउंट माइनस कर दोगे तो जो भी आपके पास में जो सरप्लस है वो क्या है, वो सेकेंड ईयर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है या नहीं है। ये क्लियर है बच्चे? देखो अगर यहाँ पे कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप बोलेंगे, बताएंगे। क्लियर है आपको? ठीक है, तो अब मैं इसी तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आता हूँ वापस। क्या करना है आपको यहाँ पर, पहले आप अमाउंट निकाल लें वन ईयर का, तो S इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस आई, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं आएगा, रेस टू पावर आपका N। ठीक है बच्चे, N मतलब कितनी बार ब्याज लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई क्वार्टरली हाफ ईयरली नहीं है। अमाउंट क्या है आपको, आपका आपको पता नहीं, प्रिंसिपल क्या है आपको पता नहीं, 1 प्लस क्या ये 0.04 और N वन ईयर का, तो S इक्वल्स टू क्या है आपके पास में फर्स्ट ईयर का P 1.04, ये आपका पहले ईयर का अमाउंट है। क्लियर है? अब मैं अमाउंट टू ईयर का अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, S इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस 0.04 और ऊपर 2 लगा देता हूँ मैं, टू ईयर का अमाउंट आ जाएगा मेरे पास में S इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1.04 रेज टू पावर 2। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब आपको पता है कि टू ईयर के अमाउंट में से अगर आप फर्स्ट ईयर का अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि कितना है आपका 25 रुपीज़ है। क्लियर है बच्चे? अब यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं अपना, यहां से मैं अपना पी कैलकुलेट कर सकता हूं। कॉमन क्या है, पी है एक तो 1.04 यहां पर है, ये चीज़ें कॉमन है, तो 1.04 आ गया एंड माइनस आपका 1 आ गया और इक्वल्स टू 25 आ गया। सॉल्व करेंगे बच्चे, पी 1.04 एंड यहाँ पर आपके पास में आ गया 0.04 रेस टू इक्वल्स टू 25 एंड सॉल्व करेंगे इसको बच्चे, 1.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04 तो P इंटू 0.0416 इक्वल्स टू 25 एंड P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 0.0416 तो अप्रॉक्सीमेट 600.96 आपके पास में क्या है बच्चे, आधा प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, आपको 600 एंड आप 1 भी ले सकते हैं, 1.04 इंटू 0.04 ठीक है 0.416 25.0416 दिस वन प्रिंसिपल आ गया। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको। ठीक है बच्चे, तो थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सेम अप्लाई करोगे आप, क्या प्रिंसिपल 1 प्लस 0.04 थ्री ईयर का अमाउंट माइनस टू ईयर का अमाउंट, तो आपके पास में जो आएगा वो क्या आएगा, थर्ड ईयर का आएगा आपका, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, पी और 1
1.04 रेज टू पावर 2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा आपका 1.04 माइनस, ये तो पूरा कॉमन आ गया 1, एंड अगेन सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल तो आपके पास में है ना 600.96, तो 601 ले लो आप, ठीक है, इंटू 1.04 रेज टू पावर 2 और इंटू आपके पास में 0.04 दिस वन, क्लियर है, सॉल्व करेंगे 601 इंटू 1.04 का स्क्वायर 1.0816 इंटू 0.04, सॉल्व करते हैं 601 इंटू 1.0816 इंटू 0.04, सॉल्व करेंगे इसको तो 26.00, तो पॉइंट समथिंग है, तो 26 रुपीस आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया आपको, कोई डाउट? खैर अगर आप कैट के एग्जाम में अगर हो और ऐसे क्वेश्चन हो गए तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ये तो खैर आपके एग्जाम में मार्क्स हैं हर स्टेप के, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, कैट के एग्जाम में अगर आप बच्चे हैं तो कैट के एग्जाम में तो आप सिंपली इसको ऐसे कर सकते हो, 4% को आप कर सकते हो लाइक ये सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट है बच्चे आपका दिस वन, क्लियर है बच्चे, तो आप 4% आपका हो गया 1/25, दिख रहा है इस पे? नहीं दिख रहा, 4% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आएगा 1/25, 3 साल का है, 3 साल की बात है, देखो हेलो ठीक है, तो आपके पास में ये क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है आपका एज अ प्रिंसिपल ले लेंगे हम 25 × 25 × 25, फर्स्ट ईयर 1/25 हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है 25 × 25, सेकेंड ईयर भी 25 × 25 और इसके ऊपर ही 1/25 लेंगे तो 25, एंड थर्ड ईयर भी 25 × 25 एंड इसके ऊपर लेंगे 25, क्लियर है बच्चे, इसके ऊपर लेंगे 25, इसके ऊपर लेंगे 1, तो आपके पास में सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 75, एंड आपके पास में 3 ईयर का कितना आएगा आपका 625 और 25, 650 सेकेंड ईयर का आया, क्लियर है बच्चे, और 3 ईयर का 625 प्लस 25 इस पे ले लेगा प्लस 50 प्लस 1 यहाँ आ गया 676, क्लियर है, और मेरे पास में सेकंड ईयर का कितना दिया हुआ है, मेरे पास सेकंड ईयर का दिया हुआ है 25, तो 25 सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 650 मल्टीप्लाई है, मैं भी कुछ समझा नहीं रहा, बस बता रहा हूँ कैट के लिए कैसे करते हैं तैयारी, 25 डिवाइडेड बाय 650 इंटू 676 आ गया आपका 26 दिस वन, कैट के एग्जाम में ऐसे करते हैं क्वेश्चन को, क्लियर है बच्चे, लेकिन कैट के एग्जाम में सेम ऐसे क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपका ये मेथड नहीं चलेगा, यहाँ पर ये मेथड चलेगा क्योंकि टाइम कम है, अब ये कैसे हुआ, ये तो भैया कैट के बैच में इसकी बात होगी, क्वांट के बैच में, क्लियर है, जो क्वांट का बैच है, बट अभी मैं आपको सिर्फ आपके एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने अभी लॉन्ग मेथड बताया है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, वो आपको समझ में आ गया होगा, कैट के बैच में ये सब चीज़ें सेम चीज़ें होंगी, बट सेम चीज़ें मतलब कि क्वांट है, कैलकुलेशन नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वांट का पार्ट है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, अ सम ऑफ मनी इज पुट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एट अ 20% पर एनम, इट वुड फेच द रेट 482 मोर
इफ द इंटरेस्ट वर पेबल हाफ ईयरली देन इफ वर पेबल द ईयरली. कोई एक प्रिंसिपल है 20% पे लगाया और ही वुड फेच द 482 रुपीज मोर, वो 482 रुपये आपको ज़्यादा देता है. इफ इंटरेस्ट वर पेबल हाफ ईयरली देन इफ द पेबल द ईयरली, अगर आप ईयरली चार्ज ना करके अगर आप हाफ ईयरली चार्ज करोगे तो आपको 482 रुपये ज़्यादा मिलेगा. द फाइंड द सम प्रिंसिपल पूछ रहे हैं आपसे, करो आइए करते हैं. सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका 20%. इंफॉर्मेशन पिक करो, प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना. आप अब उसके बाद ड्यूरेशन, सम ऑफ मनी इज द पुट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2 ईयर्स, टी आपका दिया हुआ है. और डिफरेंस क्या है 482, आपको समझना होगा 482 क्या है. बेसिकली डिफरेंस है किसका, एनुअल का और सेमी एनुअल का. अब ये क्या होता है डिफरेंस समझिए. मैंने आपसे कहा कि भैया प्रिंसिपल 1000 रुपये आपको मैं लोन दे रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम आपका 1 ईयर है, एनुअली चार्ज करूँगा. आइए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है आपका. 1000 रुपीज़ पे टाइम 1 ईयर है, 10% चार्ज कर लोगे, 100 रुपये एज अ इंटरेस्ट बन गया. अब मैं सेम क्वेश्चन कहता हूँ कि भैया आपको सेम प्रिंसिपल है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेम टाइम है, बट बस मैं क्या कर रहा हूँ सेम ही एनुअली चार्ज करूँगा. अब देखते हैं क्या होता है. 1000 रुपीज़ है, अगर मैं सेम ही एनुअली चार्ज करूँगा इस मिन हर 6 मंथ में आ रहा हूँ मैं, तो 6 मंथ में पहले आ गया मैं. ऑब्वियसली आप 10% नहीं दोगे, 10% तो पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ भी पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है. आप 10% तो दोगे नहीं 6 मंथ में अगर मैं आ जाऊँगा आपके घर पर, ठीक है. आप क्या करोगे लोग, सर 6 महीने में 5% लो मैं, ठीक है भैया 5% दो आप, सही बिल्कुल बात है. तो 5% कितना हो गया 50 रुपीज़, एंड नेक्स्ट 6 मंथ में फिर आऊँगा 1 साल में तो 5% चार्ज करूँगा तो कितना होगा 50 रुपीज़, ठीक है बच्चे. अब लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है तो भैया आपका इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट चार्ज होगा तो 2.5 रुपीज़. अब आप देखो जो कि आपको 100 रुपीज़ मिल रहा था एनुअली और सेमी एनुअली में आपको 102.5 रुपीज़ मिल रहा है, तो कितना ज़्यादा मिल रहा है सेमी एनुअली में 2.5 रुपीज़. तो डिफरेंस हो गया एनुअल एंड सेमी एनुअली में. भाई बात समझ में आई या नहीं आई, आप ऐसा अमाउंट निकाल के देख लो एनुअल और आप सेमी एनुअल ऐसा अमाउंट निकाल के देखो, उन दोनों अमाउंट में क्या होगा डिफरेंस होगा. समझ में आया बच्चे, क्लियर है. यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा आपका 1100 आ जाएगा, यहाँ अमाउंट कितना आएगा 1100 यहाँ अमाउंट ये आ जाएगा अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो सेमी एनुअली का, तो दोनों अमाउंट में डिफरेंस कितना आ गया आपके पास में 2.5 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया. ये बात समझ में आया आपको. तो यहाँ पे 482 रुपये क्या है, ये 2 साल में एनुअल एंड सेमी एनुअल का डिफरेंस है. क्लियर है बच्चे, तो कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं. देखो सेमी एनुअल का ज़्यादा रहेगा, सेमी एनुअल में क्या रहेगा फॉर्म लगाते हैं सेमी एनुअल के अकॉर्डिंग, एस इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1+I अपॉन एम एम इंटू टी, ठीक है. तो एस इक्वल्स टू पी, पी प्रिंसिपल मुझे नहीं पता बच्चे, 1+I 20%, तो परसेंटेज अगेंस्ट 100 लगाओगे 5 0.2, क्लियर है बच्चे. और एम मतलब कि आपके पास में M कैसे निकालोगे आप, ये देखो M इक्वल्स टू 12 मंथ और आप सेमी एनुअली आ रहे हो पहले तो 6 मंथ में आ रहे हो, तो M इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 साल का. S इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1+0.1 = 4, क्लियर है बच्चे. ये सम ऑफ अमाउंट हो गया. अगर आप एनुअली चार्ज करते सेम चीज को
तो क्या रहता है आपका, एस इक्वल्स टू फॉर्म रहता है पी ब्रैकेट वन प्लस आई रेज टू पावर एन, तो आपके पास में एस इक्वल्स टू पी वही सेम है, वन प्लस आई क्या आपका 0.2, या नीचे कुछ नहीं आएगा जब आप एन वाली चार्ज करते हैं, तो एन कितनी बार चार्ज करोगे, एन वाली में जितना टाइम है वही एन है। सॉल्व करेंगे एस इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1.2 रेज टू पावर 2, क्लियर है। यहाँ पर आपके पास पे क्या है, एस इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1.1 रेज टू पावर 4, ठीक है बच्चे। अब दोनों का डिफरेंस आपको गिवन है, तो डिफरेंस किसका है, सेमी एनुअल का, पी 1.1 रेज टू पावर 4 माइनस पी 1.2 रेज टू पावर 2, और इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में, इक्वल्स टू 482 है। तो प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल कॉमन हो गया। अब 1.4 मल्टीप्लाई बाय पावर 4 है, तो 4 बार प्रेस करो, 1.4 इंटू 1, 2, 3, 4, 5.37824 माइनस 1.2 मल्टी 1.44 इक्वल्स टू 482 एंड प्रिंसिपल इक्वल्स टू 5.37824 माइनस 1.44 3.93824 इक्वल्स टू 482 एंड प्रिंसिपल इक्वल्स टू 482 डिवाइडेड बाय 3.93824 एंड प्रिंसिपल इक्वल्स टू 482 डिवाइडेड बाय 3.93824, दो डिजिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें को तो कुछ रॉन्ग आ गया, वन पॉइंट वन इंटू 1.4 इंटू 4 टाइम्स, यहाँ गड़बड़ कर रहा है बच्चे, क्या 1.1 था यहाँ पे, ठीक है, और ये 1.2 है, गड़बड़ यहाँ हुई है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, 1.1 रेज टू पावर 4 है ना, तो p कॉमन ले लिया हमने, 1.1 इंटू 1.61051 माइनस 1.2 482, ठीक है बच्चे, 1.610551 माइनस 1.44 पी इक्वल्स टू 482 डिवाइडेड बाय 0.17051 482 डिवाइडेड बाय 0.17051 2826.81 दिस वन। ये क्या आ गया बच्चे इसका, ये इसका प्रिंसिपल आ गया, क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया आपको, कोई डाउट, तो आपका प्रिंसिपल क्या आया, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 2826.81 दिस वन।
उम्मीद करता हूं कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और ऐसे क्वेश्चंस के अप्रोच लगाने आपको आ रहे हैं। अब ये ईयर फाइंड द मनी डिपॉजिट एंड द इंटरेस्ट रेट, अब ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिर इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, तो अब लोग टेबल पहले हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद ही कुछ आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।